जंगहा क्षेत्र में एक युवक द्वारा अपनी ही बहन पर गोली चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें गैर बिरादरी के युवक से शादी करने से खफा भाई ने इस घटना को अंजाम दिया। बहन की तहरीर पर भाई के ऊपर जंगहा थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जंगहा थाना क्षेत्र के अमैया में शनिवार को अपराह्न 2 बजे JPS स्कूल के पास एक भाई ने बहन पर तमंचा से गोली चला दिया। बिना मर्जी बिरादरी से अलग चौहान बिरादरी के लड़के से मंदिर में शादी करने पर आक्रोशित भाई ने अपनी बहन को देखकर गोली चला दिया। बहन निशा के तहरीर पर पुलिस ने राजधानी निवासी उसके भाई आदित्य यादव व पिता वीरेंद्र यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज घटना के संबंध में जब SSP से बात करने की कोशिश की गई तो उनसे बात नहीं हो सकी। फिर SP नर्स से उनके CUG नंबर पर बात करने की कोशिश की गई तो उनके नंबर पर रिंग गई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ कर दिया। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मकामी पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।